डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टुडेज़ क्लास। होप यू पीपल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आई थिंक यू हैव अ प्रीवियस क्लास, दैट्स व्हाई पीपल आर जॉइनिंग लेट। कोई प्रीवियस क्लास थी जी फैसल? जी फैसल, म्यूट पे नहीं। जी फैसल, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, वो पहले आपकी तरफ से मैं म्यूट था, इसलिए नहीं मैं बोल पा रहा था। यस सर, क्लास थी और सर लास्ट लेक्चर में आपने कहा था हार्बर वेज रिएक्शन देखे हैं ना, तो सर मैं देखे हूँ, बताना शुरू करूँ मैं जी? बताओ सर। आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आप लोग ऑडिबल हो, बाकी आपके फेलो से भी आई थिंक उनको भी आवाज आ रही होगी। मुझे आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। स्टार्ट करूं मैं? हाँ जी, स्टार्ट करें। मैं बाकी लोगों को जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू उस रिएक्शन का जो है वो मैं देना चाहूंगा, उसमें कि ये रिएक्शन है जो बेसिकली हाइड्रोक्सल रेडिकल्स जो हैं उनको जनरेट करता है फ्रॉम हाइड्रोजन परऑक्साइड और आपकी जो अदर स्पीशीज हैं ऑक्सीजन की, जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स वगैरह मान से। तो उसमें जो कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है वो आप कह लो कि आयरन आयंस जो हैं वो। तो फर्दर जो है इसमें जो आपको डिटेल है वो बताएंगे। ये बड़ा अहम रिएक्शन है, स्पेशली जब हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की बात करेंगे वहाँ पे। जी फैसल, कैसे स्टार्ट करें? यस सर। सर ये जो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स टू कोप विद मेटल टॉक्सिसिटी, इधर से ये शुरू होता है। मेन पॉइंट जो इसका ये है, पहले जो इन्होंने तमीज यहाँ बांधी है वो ये कि ऑक्सीजन का जो फ्री रेडिकल बनता है, यानी ऑक्सीजन का जो रेडिकल बनता है वो इसलिए बनता है कि मोलिकुलर ऑक्सीजन यानी ओ टू जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है किसी और मॉलिक्यूल से, और बहुत सारे इंट्रा सेलुलर रिएक्शन यानी वो रिएक्शन जो सेल के अंदर होते हैं रिड्यूस ऑक्सीजन टू सुपर ऑक्साइड। मतलब ये है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो बन जाता है सुपर ऑक्साइड, यानी ओ टू तो रहता ही है एक, जैसा कि आपको सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से ऊपर एक नेगेटिव का चार्ज आ जाता है तो वो उसे हम सुपर ऑक्साइड कहते हैं, या फिर वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 बन जाता है। ये मॉलिक्यूल इतने रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन जो हाइड्रोक्सल रेडिकल बना देते हैं ना ये OH वाले, वो ज्यादा डैमेज काज करते हैं जी। हाइड्रोक्सल जो है OH माइनस जो है ये अदर ऑक्सीजन स्पीशीज के मुकाबले में ये ज्यादा हार्मफुल है। और ये जो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन लेना, ये थर्मोडायनामिक के लिए यानी थर्मोडायनामिकली, मतलब के इसकी जो कंडीशंस होती है ना रिएक्शन की, उसके इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की ऑक्सीजन की, वो अनफेवरेबल होती हैं, लेकिन ताहम फिर भी ये दूसरे पैरामैग्नेटिक सेंटर, अब ये पैरामैग्नेटिक सेंटर मैंने नेट पर सर्च किया था, मुझे इसकी कोई खास समझ नहीं है सर, लेकिन इसका नतीजा जो मैं निकालता हूँ ये कि ये दूसरे जो होते हैं मेटल्स उनकी मदद से ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सुपर ऑक्साइड बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं फिर भी। और ये नीचे रिएक्शन है सर, ये मुझे इधर MN वाला सही समझ नहीं आया, फिर मैंने इधर से छोड़कर सर फिर मैंने विकिपीडिया से समझा, तो मैं उधर से आपको बताऊंगा। बताएं। एक जो इसका मुख्तसर तारुफ है हार्बर वेज रिएक्शन का वो यही है कि ये हाइड्रोक्सल रेडिकल उनको जनरेट करता है, उनको जनरेशन में हेल्पफुल होता है और उसमें जो ओवरऑल रिएक्शन है उसको आयरन आयंस जो है वो कैटलाइज करते हैं इसको।
जी कैटलाइज करते हैं। हाइड्रोक्सल के अलावा ये हाइड्रोजन परऑक्साइड और सुपरऑक्साइड भी यही इन्हीं की वजह से होते हैं और कैटलाइज करता है आयरन। रिएक्शन जैसे कि उधर हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है कि काइनेटिकली स्लो है, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो आयरन है। सबसे पहले जो फेरस होता है ना, मतलब कि आयरन जिसके पास तीन इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वो O2 नेगेटिव यानी सुपरऑक्साइड के साथ मिलता है और O2 सिंपल हो जाता है यानी रेडिकल नहीं रहता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फेरस होता है, वो फेरिक हो जाता है। सेकंड जो स्टेप है इसे फेंटन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें ये जो फेरिक होता है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ मिल जाता है। जब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये दोबारा फेरस में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये दोबारा एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है वो अपने आप को बरकरार नहीं रख सकता, वो ब्रेक हो जाता है और वो बन जाता है OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल एनायन और OH फ्री रेडिकल में। ठीक। और जो OH का फ्री रेडिकल होता है वो दोबारा जाके मिल जाता है यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। जब वो हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ मिलता है तो उसके नतीजे में ये बनाता है वाटर बनाता है और सुपर ऑक्साइड बन जाता है दोबारा से और एक एच पॉजिटिव बन जाता है हाइड्रोजन का कैटायन। ठीक। अब जो इधर से प्रोड्यूस हुई है सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन, ये साथ ही प्रोड्यूस हुए अपने हाइड्रोजन के कैटायन से और हाइड्रोजन परऑक्साइड से मिलती है तो ये मिलकर बना देती है दोबारा से। ये खुद तो दोबारा क्या कहते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है और मॉलिक्यूलर बन जाती है, लेकिन एक दोबारा से वो बना देती है HO का रेडिकल और एक वाटर का मॉलिक्यूल। और जो इसकी टर्मिनेशन होती है, मतलब कि ये जो प्रोसेस इस तरीके से तो चलता रहेगा तो, लेकिन ये एंड भी होता है, वो इस तरीके से होता है कि ये जो फेरिक होता है ये रिएक्ट करता है रेडिकल से, OH के रेडिकल से और एक हाइड्रोजन के कैटायन से और फिर ये खुद कन्वर्ट हो जाता है दोबारा फेरिस में और पानी बन जाता है। हाँ जी ठीक हो गया। अच्छा That's अब जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है, जो जब SOD का हमने नाम पढ़ा था सुपर ऑक्साइड डिसमुटेज का, उसके जब एक्ट करता है वो तो डिसमुटेशन काज करता है बेसिकली। तो जब हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड आएगी, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है बजाते खुद वो एक एनदर साइकिल जो है उसमें इंटर होती है जिसको कहते हैं ग्लूटाथियन एस्कॉर्बेट साइकिल। चूंकि अब हम जो टॉलरेंस के मैकेनिज्म है हैवी मेटल्स के उनकी तरफ प्रोसीड करने वाले हैं और उसमें अगेन सिग्निफिकेंट जो रोल है वो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की स्क्वेंजिंग का। तो आज चूंकि आपने काफ़ी क्लासेस पढ़ी हुई हैं तो साइकिल जो है उसको कल मैं थोड़ा सा उसको जो ग्लूटाथियन एस्कॉर्बेट साइकिल है उस पर कल गुफ्तगू करेंगे, उसका मैं आपको आज मटीरियल कुछ दे दूँगा तो उस पर हम बहस करेंगे। बाकी आज जो है यहाँ तक अब तक हम हैवी मेटल को ऑलमोस्ट हमारा फिनिश होने वाली है। हम अगर हैवी मेटल को ओवरव्यू कर लें तो हमने उनको क्लासिफाई किया कि कौन सी आएंगी और कौन सी मेटल हैवी होगी। उसके बाद हमने उनको आप कह लो उनके स्पेसिफिक जो सोर्सेज हैं वो, और उसके बाद उनके जो इंडिविजुअल एलिमेंट स्पेसिफिक फैक्ट्स से उन पे हमने जो है वो देखा था। आज जो इसके डिटॉक्सिफिकेशन के मैकेनिज्म है प्लांट्स के अंदर हम जो है पे उन पे ज़्यादा फोकस जो है वो अपना जो है वो करेंगे। तो उसमें एक फंडामेंटल जो सिंपल सी अप्रोच आपके जहन में आती है, सिंपल स्ट्रेटजी जो है वो क्या होगी, आपको स्क्रीन पे कुछ हाईलाइटेड लाइंस नजर आ रही हैं कि सिंपल स्ट्रेटजी ये है कि टू अवॉइड मेटल अपटेक। पहली चीज कि उसकी अपटेक जो है उसको मिनिमल किया जाए जो हार्मफुल एलिमेंट्स हैं फ्रॉम सॉइल, यानी कि उनकी अपटेक जो है वो लिमिटेड हो कम से कम। एंड सेकंड थिंग इज कि अगर या तो जस्ट लाइक साल्ट उनको एक्सक्लूड किया जाए, ठीक है, या फिर उनकी मूवमेंट जो है शूट्स में उसको प्रिवेंट किया जाए। जब हमने साल्ट की टॉलरेंस की बात की थी तो हमने कहा था कि डिफरेंशियल एलोकेशन है आर्गन लेवल पे,
मोर साल्ट इन रूट एज कम्पेयर टू शूट, अगर आपको याद हो। लाइकवाइज सेलुलर लेवल पे मोर साल्ट इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। तो ये फिलासफी जो है बाजवा हैवी मेटल जो है उनके लिए भी ट्रू रहेगी कि जो सिंप्लीफाइड अप्रोच जो है वो ये है कि प्लांट जो है वो साइल से उनकी अपटेक जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करें। अगर अपटेक हो जाते हैं तो उनकी जो मूवमेंट है टूवर्ड्स शूट उसको प्रिवेंट करें या फिर उनको एक्सक्लूड करें दोबारा। ठीक है, तो यहाँ पे एक इल्यूस्ट्रेशन आपको स्क्रीन पे जो है वो नजर आ रही है कि मेटल है, मेटल की रिकग्निशन। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड जो रिसेप्टर्स हैं दे विल एक्ट एज सिग्नलिंग एजेंट्स। सिग्नलिंग जो आएगी जब हम स्ट्रेस के पर्सपेक्टिव में हम सिग्नलिंग का वर्ड यूज़ करते हैं या किसी भी सेलुलर एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में हम सिग्नलिंग का वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि प्रोसेस थ्रू विच केमिकल मैसेंजर इज कैरिड फ्रॉम सेल एक्सटीरियर टू द सेल इंटीरियर, के सेल के एक्सटीरियर से कोई चीज़ मूव होके सेल के इंटीरियर में आ रही है, तो उसमें सिग्नलिंग पाथवेज जिनके लिए सिग्नलिंग कैस्केड्स का लफ्ज जो है वो यूज होता है, कैस्केड पाथवेज जो हैं। ठीक है, और वो पाथवेज जो हैं यूजली दे आर रेगुलेटेड बाय आप कह लें कि उसमें माइटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेसिस वगैरह प्रोटीन्स जो हैं ज़्यादा, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस वगैरह जो हैं, उसके अलावा कुछ हमारे फाइटो हारमोन्स हैं, अब्सिसिक एसिड है, थाइलिन वगैरह हैं, और कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बताते हैं खुद जो है वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का किरदार जो है वो अदा करती हैं स्ट्रेस की सिग्नलिंग में। अब इसको अगर हम बिल्कुल सिंपल इसका फ्लो चार्ट बनाएं तो कोई एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन है उसकी रिकग्निशन या परसेप्शन है, परसेप्शन की सिग्नलिंग है, सिग्नलिंग के लिहाज से फिर आप कह लो कि जीन एक्सप्रेशन चेंज होंगे, जीन एक्सप्रेशन चेंज होने से डिजायरेबल जो प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह हीट शॉक प्रोटीन है, जिस तरह एंटी फ्रीज प्रोटीन है, जिस तरह डिहाइड्रेंस हैं, जिस तरह कंपेटिबल सलूट का सेंसेस है, जिस तरह आपका आप कह लो कि एंजाइमेटिक एंटी ऑक्सीडेंट्स वगैरह जो हैं वो प्रोटीन्स, तो उनका एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा। सिग्नलिंग, सिग्नलिंग के नतीजे में ऑल्टर्ड जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन के नतीजे में डिजायरेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैसर आती हैं। तो यहाँ पे आपको एरोज जो हैं वो टू वे नज़र आ रहे हैं। जब टू वे एरो का मतलब क्या है कि वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, टू वे इंटरेक्शन जो है वहाँ पे पॉसिबल है। तो चिलेटर का वर्ड यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये चिलेशन क्या चीज़ होती है, लो मोलेकुलर वेट चिलेटर्स, चिलेशन क्या चीज़ होती है, एक लफ्जी मायना होता है कि क्ला लाइक कि किसी चीज़ को शिकंजे में ले ले, आपके जहन में क्या आइडिया है चिलेटर का, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट में अक्सर वर्ड आपने सुना होगा चिलेटेड जिंक, जी सर किसी कंपाउंड, किसी कंपाउंड सर किसी कंपाउंड में शामिल हुआ या उसमें वो या शामिल सर मैक्सिमम अमाउंट है किस चीज की बेटे, चिलेटर, चिलेटर चिलेशन से है ये वर्ड, यार चिलेटेड जिंक का आपके नाम नहीं सुना? नो सर, नो सर, कभी चिलेटेड जिंक, यार इतनी हर कंपनी क्या बेचता है तो उस पे यही लिखा होता है कि चिलेटेड है। सर जी आई थिंक जो सर किस चीज पर, यार जितने भी खासकर जिंक वगैरह के हैं उसमें जो आप कह लो कि आयंस या मॉलिक्यूल जो हैं उनकी एक तरह की एसोसिएशन होती है मेटल आयंस के साथ, ठीक है, तो उनको आप समझ लो कि क्ला की तरह जो है वो शिकंजे में जो है वो ले लेते हैं और उनकी रिलीज जो है फिर वो कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो हर वो कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा किसी मेटल के साथ उसको हम चिलेटर जो है वो कहेंगे, सिंपल सिंपल जो कंसेप्ट है हमारा। ठीक है, तो लो मोलेकुलर वेट मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस, ठीक है, दैट विल बाइंड विद हैवी मेटल्स, ठीक है, उनको हम चिलेटर जो है वो कहेंगे। ठीक है, तो उसमें आप कह लो कि जो आपका एक मशहूर जो चिलेटर है वो है EDTA, इथाइलीन
डायमाइन टेट्राएस्टिक एसिड, हम लैब्स वगैरह में इसको यूज़ भी करते हैं डीटीए को, ठीक है। तो कुछ आप कह लो कि प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, ट्रांसफरिंस वगैरह जो हैं, तो एग्जांपल के तौर पे आप ईडीटीए का जो है उसको एज ए चिलेटर जो है वो याद रखोगे। तो चिलेटर जो है उनमें निकोटिनामाइड है, ऑर्गेनिक एसिड है, ग्लूटाथियान। ग्लूटाथियान जो है खासकर जो आपकी स्क्वेंचिंग का प्रोसेस है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का, उसमें बड़ा अहम इसका जो है वो रोल जो है वो रहेगा। उसके बाद जो है फाइटोचिलेटन्स हैं और मेटेलो आप कह लो कि थायनीन्स वगैरह जो हैं, अदर प्रोटीन्स जो हैं वो यहाँ पे आप कह लो कि उनका रोल जो है आएगा। रेड में एक वर्ड है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन स्पेशली जब हम मेटल की बात करेंगे तो रेफर्स टू डिफरेंट केमिकल फॉर्म्स ऑफ मेटल्स, ठीक है, Fe3+, Fe2+, ठीक है, वो साइल सॉल्यूशन में है, वो बाउंड फॉर्म में है, वो चिलेटेड फॉर्म में है, तो इस पर्सपेक्टिव में ये टर्म जो है वो आएगी। जो फैसल ने निचली हमें बातें बताई उसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा सिर्फ, कि जब भी हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स में बात करेंगे और ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करेंगे, आपने एक टर्म जो है वो अपने पास याद रख लो, वो है आयल रिग, OILRIG, आयल रिग। उसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन, ठीक है। जब हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन जो है वो लॉस होगी और रिडक्शन जो है वो गेन होगा। तो जब भी अब आपने देखना है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज दे आर ऑक्सीडाइजर, वो ऑक्सीडेशन काज करती हैं, और हम उसके काफ़ी हम कहते हैं कि ये डीएनए को भी लॉस है, ये प्रोटीन्स को भी लॉस है, ये मेम्ब्रेन लिपिड्स को भी लॉस है, तो उसमें जो है वो फिर हमें प्रॉब्लम। अच्छा, अगेन मेम्ब्रेन पे जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उनको भी यहाँ पे जो रिडॉक्स या कम्प्लेक्सेशन जो प्रोसेस हैं वो उसकी एलिमेंटल फॉर्म जो है जो साइल में या साइल सॉल्यूशन में या आप कह लो कि जो बाउंड फॉर्म में क्ले सर्फेस पे या किसी पे ऑर्गेनिक मैटर के साथ वहाँ पे उसको वो अफेक्ट जो है वो कर सकती हैं। तो सिग्नलिंग में एक्सुडेट्स जो हैं, एक्सुडेट्स रूट से, ठीक है, उनमें फ्लेवोनाइड्स हो सकते हैं, फिनोलिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, और प्रोटॉन्स जो हैं जो एस्टिफिकेशन वगैरह जो है वो आप कह लो काज करेंगे राइजोस्फीयर की। तो ये यहाँ तक। अच्छा, जो मेटल हाइपर अकामुलेटर्स हैं, हाइपर अकामुलेटर से मुराद है कि जो ज्यादा मेटल जो है वो अकामुलेट करते हैं, यानी कि उनमें जो शूट और रूट की जो रेशियो है वी मेटल की वो मोर देन वन होगी, ठीक है। तो इसको आप अपने ट्रू फॉल्स के पर्सपेक्टिव में, फिल इन द ब्लैंक के पर्सपेक्टिव में भी आप अपना इसको देखोगे, कि अगर मैं इसमें ट्रू फॉल्स में आपको दूं कि हाइपर कामुलेटिंग प्लांट्स है शूट टू रूट रेशियो, इसको मैं साइन चेंज कर दूंगा, ठीक है, मोर देन वन की बजाय लेस देन वन, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट जो है उसमें चले जाएगी। जो आउटस्टैंडिंग मेटल कामुलेशन जो है वो कैसे अचीव होती है हाइपर कामुलेटर्स में, उसमें है कि ओवर एक्सप्रेशन। ओवर एक्सप्रेशन से मुराद है कि वो जीन का ज्यादा एक्सप्रेस होना ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, मेम्ब्रेन बाउंड, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो यहाँ पे शो करवाए गए हैं, रिक्वायर्ड फॉर इनहांस्ड सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या है, एक बड़ी मशहूर टर्म आजकल जमाने से ज्यादा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। जी सर, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब ये है कि जो कार्बन फ्री है उसे किसी कंपाउंड में सर बाइंड करना, फ्री कार्बन को बाइंड करना, उसे हाँ यूज जी, कर लेना, हाँ जी, कंज्यूम कर लेना। कैप्चरिंग या स्टोरिंग जो है उस टर्म में आप इसको हम परसीव करेंगे इस सिनेरियो में, ठीक है, कैप्चर और उसका आप कह लो कि स्टोरेज जो है वो। फिर है टिश्यू स्पेसिफिक एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन्स, के टिश्यूज जो है मुख्तलिफ, उनमें हो सकता है कुछ चीज एक्सप्रेस हो रही हो वो लीव्स में ना हो, जो रूट्स में हो रही है, या जो रूट में है वो शूट में ना हो, तो टिश्यू स्पेसिफिक अफेक्ट जो है वो। और हाई मेटल चिलेटर कंसंट्रेशन, ये जो यहाँ पे आपको चिलेटिंग जो चिलेटर्स हैं जिनके नाम यहाँ पे हैं उनकी ज़्यादा कंसंट्रेशन जो है दैट विल बी अ डिज़ायरेबल ट्रेट फॉर हाइपर अकामुलेटर, जो जिनमें शूट टू रूट रेशो जो है वो मोर देन जो आपकी आप कह लो कि वन है। अच्छा, एक जो आपने बात की थी फैसल ने स्टार्ट जहाँ से लिया था, कि जो हैवी मेटल्स हैं उनका सेलुलर रिडॉक्स एनवायरनमेंट पे क्या है, तो
तो रिडॉक्स पोटेंशियल जो है उसकी अगर हमने पहले बात की है, तो जब फ्लडिंग की बात की थी, तो जब साइल फ्लडेड कंडीशन में जाएगी तो उसका रिडॉक्स पोटेंशियल जो है बड़ा रैपिडली जो है वो डिक्लाइन करता है। तो यहाँ पे हैवी मेटल के परस्पेक्टिव में, हैवी मेटल्स इंटरेक्ट विद सेलुलर रिडॉक्स एनवायरनमेंट डिफरेंट वेज हैं उसके। पहली चीज़ है कि दे आर एबल टू इंड्यूस जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जिस पे हमारा कंसेंसिस है, ठीक है। फिर जो रिडॉक्स एक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, कैन डायरेक्टली जनरेट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज वाया फेंटोन लाइक रिएक्शंस एंड द हार्बर वेज साइकिल, जिसकी बात हो रही थी कि जनरेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस बाय द एक्शन ऑफ फेरस आयरन आयंस जो हैं वो। तो हैवी मेटल डिटॉक्सिफिकेशन कंज्यूम्स अ मेजर एलिमेंट ऑफ सेलुलर रिडॉक्स होम्योस्टेसिस, नेमली ग्लूटाथियन एज ट्रैक्टिलेटर और एज अ प्रीकर्सर ऑफ फाइटोचिलेटन्स। प्रीकर्सर कोई या चीज होगी कि जिससे कोई चीज फर्दर फॉर्म होगी, यानी कि इनिशियल फॉर्म किसी भी चीज की, ठीक है। तो प्रीकर्सर जिससे हम पहले हमारा वास्ता पड़ा है, इथाइलिन के प्रीकर्सर का क्या नाम था जिसको हमने अपने कोर्स में पढ़ा था, अगर हम रिकॉल करें उसको, प्रीकर्सर का वर्ड पहले भी हमारे पास आया था, एसीसी, याद करो यार, अमाइनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर उस पे एसीसी ऑक्सीडेज एक्ट करता था, इथाइलिन प्रोड्यूस होती थी, एपिनेस्टी कास करती थी लीव्स में, फ्लडिंग में, याद है, किसी को याद है? फैसल तुझे याद है कि नहीं? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ऐसा एग्जैक्टली याद हम नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम ना आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये मिड हो जाने बेहतर थे, तो चीजें जो हैं वो फॉरगो जो हैं वो काफी सारी जो हैं वो इस सेंस में जो है वो हो रही है। तो इसको यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है एक, वो उसमें इसकी बड़ी एलेबोरेटिव जो डिटेल जो है वो यादें वाले रिव्यू में है, तो यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं यहाँ पे आपका टाइम, मेरा भी है आई थिंक काफ़ी, तो मैंने आपकी जो असाइनमेंट जो है वो सेकंड असाइनमेंट का जो सबमिशन का पोर्टल है वो मैंने जनरेट किया, तो उसमें जो है वो आप जो है देखेंगे। ठीक है, ये सेकंड असाइनमेंट आपका जो पोर्टल है वो मैंने जनरेट जो है वो कर दिया आपको। तो मीन वाइल जो है, अब यहाँ पे आज आपका है थर्सडे का लेक्चर, थर्सडे के लेक्चर की जो आपका पासवर्ड जो है वो, आज कितनी क्लासें हुई आपकी? थर्सडे वाले दिन टोटल 6 होती हैं क्लासेस। सही, तो रूटीन वाले में भी 6 ही होती हैं या किसी दिन काम ज्यादा होती हैं, या रूटीन में 6 लेक्चर ही आपके आते हैं? सर थर्सडे और फ्राइडे 6 होती हैं और पहले 2 दिन 5 होती हैं। ये मैंने पासवर्ड जो है वो आपको सब लोगों को भेज दिया है, ABCDEF। तो अपनी अटेंडेंस जो है वो आप मार्क करेंगे। तो हम जो है अदर डॉक्यूमेंट जो है जिसको हम देख रहे थे, अच्छा जी, पर मैं वो उसे, रेशो जो आप कह रहे थे 1 से ज्यादा होगी वो तो हाइपर अकामोलेटर है जो बहुत ज्यादा मिकदार में इनको अपटेक करती हैं, यानी कि उनकी उसमें कहाँ ज्यादा एक्युमुलेट होंगे, वैक्यूल में या रूट्स में? रूट से शूट में पार्टीशन ज्यादा हो रहे हैं ना, रूट से, या तो जो दूसरा मैकेनिज्म ना कि रूट तक रहे लेकिन रूट से शूट तक ना पहुंचे, वहां पे रूट और शूट की रेशियो जो है वो मोर देन वन है, यानी कि शूट में ज्यादा पहुंच रहे हैं। देखो एक चीज शूट में भी एक है रूट में भी एक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? एक एक आएगा ना। तो अगर कोई चीज शूट में 2 है और रूट में 1 है, तो तब हमारे पास जो रेशियो मोर देन वन आएगी ना, जिसमें ज्यादा जो है वो शूट में यस सर, अकोमोडेट हो रहे होते हैं। शूट में डेफिनेटली वैक्यूल जो है वही होगा। ओके सर। चलो जी, इन रिस्पॉन्स टू
पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग रोल ऑफ प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी इन रिस्पांस टू पोस्ट वैसे आप तीसरा टॉपिक कर लें अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो जो आपने टॉपिक मुझे सेंड किया उसमें जो तीसरा नंबर पे है उसको जो है वो आप चूज जो है वो कर सकते हैं तो कल जो है मैंने आपको कहा था एक स्टेटमेंट दी है मैंने कि कल जो है हम ग्लूटाथियन एस्कॉर्बेट साइकिल पे एक्सक्लूसिवली उस पर कुछ टाइम स्पेंड करेंगे कि वो क्या चीज़ है और अगर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं ठीक है जो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो स्ट्रेस की मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं स्ट्रेस के वाले से जो दुनिया में है वही वो ऑलमोस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी मास वाय चंद जो मोलेकुलर लेवल की चीज़ें हैं जो बस हमें भी नहीं आती वो बायोकेमिस्ट्री वाले या बहुत ज़्यादा एडवांस वर्क जो होगा उनको बाकी मेजर चंक जो इंफॉर्मेशन का है वो हमने यहाँ पे इस कोर्स में आपका कवर हो जाएगा तो बेसिक यही चीज़ें हैं सारी तो ग्लूटाथियन जो है ये इसकी जो टॉलरेंस है खासकर आपको हैवी मेटल स्ट्रेस की तो उसमें इसका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है लेकिन उसके पहले जाने से पहले ये है क्या चीज इसको जो डिनोट किया जाएगा वो है GSH ठीक है GSH जो है इससे हम इसको जो है वो डिनोट जो है वो करते हैं और बाज दफा जो है आपका आपको लिटरेचर के अंदर GSSG भी मिलेगा यानी कि वो ऑक्सीडाइज जो ग्लूटाथियन है उसके लिए वो टर्म जो है वो बाज दफा जो है यूज जो है वो होगी बेसिकली ये ट्राईपेप्टाइड है ठीक है लो मोलेकुलर वेट थायोल ठीक है और जितने भी माइटोकॉन्ड्रियल कंटेनिंग यूकेरियोट्स हैं प्लांट्स उनमें ये मौजूद जो है वो होगा तो प्लीथोरा ऑफ सेलुलर प्रोसेसेस बहुत सारे जो हैं उनमें जो है ये पाया जाता है ठीक है यहाँ पे इसने आप कह लो कि एक रसालों वाला जो एक वर्ड है जो आर्टिकल में शायद अच्छा लगे वो इन्होंने यूज जो है वो किया है ठीक है लार्ज और एक्सेसिव जो है या उसको जाहिर करने के लिए तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज उनके डिफेंस में हम इसको यूज जो है वो करते हैं यहाँ पे सिक्वेस्ट्रेशन जो है हैवी मेटल्स की वो और उनका आप कह लो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स अब ज़ीनोबायोटिक्स क्या चीज़ है इसका कोई आइडिया है ये वो कंपाउंड होगा जो किसी ऑर्गेनिज्म में नेचुरली नहीं पाया जाता यानी कि उसकी जो लिविंग एंटिटी जो उसका लिविंग सिस्टम है उसका वो हिस्सा नहीं है ठीक है यानी कि ना उसका हिस्सा है ना उसमें नेचुरली प्रोड्यूस्ड होता है ठीक है लेकिन एक्सीडेंटली एक्सपोजर हो जाए अब मेरी बात सुनो क्या आपकी बॉडी में लैम्डा साई हेलोथीन पाई जाती है कराटे नहीं ना पाई जाएगी लेकिन अगर एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो जाता है ठीक है कोई ऐसी चीज जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है और बॉडी जो है उसको मैन्युफैक्चर भी नहीं करती ठीक है तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनको हम ज़ेनोबायोटिक्स जो है वो कहते हैं तो ऐसी जो भी टर्म आएगी उसको आपने अपने पास पिन पॉइंट जो है वो करते जाना है तो ग्लूटाथियन जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल है रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस सच एज सेल डिवीजन में है फ्लावरिंग में भी इसका किरदार जो है वो रिपोर्टेड है और उसके जो रेफरेंसेस हैं वो मौजूद हैं अच्छा फ्लावरिंग जो है अगर ये साथ साथ चल रही हो फ्लावरिंग भी और वेजिटेटिव ग्रोथ भी तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं एक जनरल सा क्वेश्चन है इनडिटर्मिनेट उसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास कॉटन टोमेटो ठीक है ये चीजें जो है पिन पॉइंट आपने जो है वो रखनी है आपने पास रैपिड ये बड़ा आम फैम चीजें जो है ये है तो अब ग्लूटाथियन जो है मेजर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फॉर्म है रिड्यूस्ड सल्फर की ठीक है
अब इसमें इसका जो सेंसेस है दैट इज बेसिकली टू एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शंस जो हैं उनके तहत जो है वो होगा, जहां पे आपका आप कह लो कि जो आपका गैमा है ग्लूटामाइल जो सिस्टीन है सेंसेस ये इंसाइम, और यहाँ पे ये उसकी जो कोडिंग है ठीक है जो बायोकेमिस्ट्री वालों का नामन क्लेचर है उसके तहत ठीक है। तो वो जो है इंजाइम जो है ये पेप्टाइड बांड जो है ये कहाँ पे होगा, ये कार्बोहाइड्रेट में होगा, प्रोटीन में होगा, लिपिड्स में होगा, प्रोटीन प्रोटीन में ही होता है में पेप्टाइड होगा। सर, तो ग्लाइकोसाइड दो एक कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। तो दो एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, पहले में जो है वहां पे आपका जो गैमा ग्लूटामाइल सिस्टीन सेंसेस जो एंजाइम है दैट कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड किसके दरमियान, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लूटामेट एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ सिस्टीन। इन चीजों को जो है वो आपने सिर्फ गो थ्रू होना है, ये कोई आप कह लो कि उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन बार कैफ उसके जो सेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन है वो हमें आनी चाहिए जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव में। तो उसमें हमें जो है वो आप कह लो कि गामा जो है ग्लूटामाइल सिस्टेन जो है वो प्रोड्यूस जो होगी। तो ये मेजर पहला जो फर्स्ट स्टेप हैज बीन डॉक्यूमेंट एज अ मेजर कंट्रोल पॉइंट अंडर कंडीशन ऑफ जहाँ पे इंक्रीजिंग डिमांड होगी इसकी ग्लूटाथियन की। जो सेकंड रिएक्शन है उसमें आप कह लो कि जो ग्लूटाथियन सेंथिटेज है ठीक है उसकी भी वहाँ पे जो कोडिंग है ठीक है, उसकी नामन क्लेचर का जो है प्रोसीजर, अगर आपको बायोकेमिस्ट्री का कोई कोर्स आपने पढ़ा है उसके कंटेंट होते थे हमारे दोस्त में, ये बड़ा स्कीमेटिक ये आप कह लो कि लॉजिकल उसकी नंबरिंग होती है इसको, अगर हम पिन पॉइंट अगर आप केमिस्ट्री का नॉलेज हो तो ये सर तीन तीन किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी ही है सर, ये ये तीन सर किसी चीज ये को जाहिर करता है, फिर उदम दो फिर तीन फिर छह किसी चीज को यस जाहिर सर, करेगा। सर ये जो शुरू में होता है ना नंबर, वो शुरू में आ रहा होता है कंपाउंड, जैसा कि सर वो एक मशहूर वो जो है हर्बिसाइड, ग्लाइफोसेट जिसने आपको सेंड भी की थी, ग्लाइफोसेट ग्लाइफोसेट है नहीं सर वो पता नहीं दूसरी है शायद। खैर सर उसमें जैसे आता है ना टू टू डाई, यानी जो दो होता है सर वो एक एक्स्ट्रा जो कंपाउंड होता है ना जो मेन फंक्शनल ग्रुप या मेन चेन के साथ लगा होता है उसकी पोजीशन को जाहिर करता है कि ये इस पोजीशन पर लगा हुआ है इतने कार्बन पर या इतने एटम के नंबर पर। यहाँ पे ये पहला जो होगा कि ये जो सिक्स मेजर क्लासेस हैं उनमें से कोई होगा, फिर सब क्लास सब क्लास तो इस तरह का इसका कोई नामन क्लेचर जो है वो चलते हैं इसमें। बेसिकली जो एंजाइम है ठीक है उनको मैंने याद रखा हुआ था कि वो ओथलिल ऑक्सीडोरिडक्टेज ट्रांसफरेज OTH, एच से हाइड्रोलेजिस, फिर है एल एल से लाइजिस, फिर आइसोमरेजेस जो आइसोमरिज्म वाले रिएक्शन जो हैं उनमें ठीक है। तो उसके बाद आपके जो हैं वो लाइगेजेस जो हैं वो, तो छह मेजर क्लासेस हैं तो उनमें से किसी एक में जो है ये, तो ये नामन क्लेचर जो है उस हिसाब से जो है वो आता है इसमें। तो उसमें अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपको लिटरेचर में GSSG भी जो है इसका हमें मिलेगा जो बेसिकली इसकी ऑक्सीडाइज स्टेट है उसको जाहिर करने के लिए, तो यहाँ ये रिड्यूस होगा यहाँ ये ऑक्सीडाइज होगा। अगर रिड्यूस्ड है तो उसके लिए साइकिल जो आप देखेंगे उसमें GSH होगा, और जब उसकी ऑक्सीडाइज स्टेट आएगी उसमें वहाँ पे उसको ग्लूटाथियन जो है ऑक्सीडाइज स्टेट मिली उसके GSSG जो है वो यूज होगा। अच्छा जी, अब जो रिडक्शन पोटेंशियल है ग्लूटाथियन का ठीक है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, इंट्रासेलुलर जो उनकी आपस में रेशियो है रिड्यूस्ड की ऑक्सीडाइज से ठीक है। तो चेंज जो है इस रिडॉक्स रेशियो में यानी कि रिड्यूस ग्लूटाथियन वर्सेस ऑक्सीडाइज ग्लूटाथियन इनकी जो आपस में रेशियो है वो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रही है, पीएच पे, उसके अलावा टोटल जो रिड्यूस ग्लूटाथियन है उसकी कंसंट्रेशन पे, प्लस उनका बायोसेंसेस और उसकी जो ब्रेक डाउन है ये उसमें चीदा चीदा फैक्टर जो हैं ये यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ तक इसको मैं आज की चीज़ें जो हैं उनको रोक रहा हूँ, ऑल दो कि ये बड़ा ड्राई सा है लेकिन जिस तरह किसी चीज़ का कोई एक एस्पेक्ट आसान होता है, सोर्सेज आसान थे आगे इफेक्ट जो है वो डिफिकल्ट थे, तो इसमें जो इसके मैकेनिज्म हैं वो थोड़े से
स्पेसिफिकली केमिकल साइड पे हो जाते हैं, केमिस्ट्री ज्यादा जो है इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व जो है वो रहेगी। तो की जो मैसेजेस हैं, की चीजें हैं वो हम इनमें से पिक करेंगे, बाकी जो हम हाईलाइट करेंगे वही हम कंसीडर करेंगे, बाकी को हम इतना नहीं लेके जाएंगे। तो परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन बार कैफ चीज़ों का एक ओवरव्यू जो है वो इस स्टेज पे, चूंकि हम इतनी दूर तक इस कोर्स में आए हैं तो वो हमें जो है वो आना चाहिए। तो असाइनमेंट जो है आपकी सबमिशन जो है वो सेकंड असाइनमेंट जो है, ये मेरे पास यहाँ पे 24 स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पे आज कितने हैं, ये घूमने लग गया सर। कौन सा है प्लस का? हाँ जी, मेरे पास यहाँ पे 28 हो गए। चार नहीं, अब कौन है, हालांकि चेक करूंगा तो उसमें पता लग जाएगा, लेकिन चले इन चीजों में क्या टाइम सर। अगर आप 515, ठीक है, यहाँ पे ये सेकंड असाइनमेंट यहाँ पे आपको शो हो रही है, तो फर्स्ट जिनकी आ चुकी है वो सेकंड जो है जिनको टॉपिक भी असाइन हो चुका है, ठीक है, तो शुक्र है अब ड्राफ्ट में कोई नहीं है। 5 वो हैं जो नहीं आई, 37 वो हैं जो जमा हो गई हैं, और 37 बड़ी अच्छी रेशो आउट ऑफ 42। तो अब उसके अंदर क्या है, वो प्लैजरिज्म वगैरह का क्या स्टेटस है, वो एक दिन सब डाउनलोड करके उनको फिर हम चेक कर लेंगे। तो मीनवाइल आपके जितना भी मटेरियल है, फैसल ने कल मुझे करवाया था, आई थिंक 23 नवंबर का कोई लेक्चर था जो नहीं था, तो वो भी मैंने रिकॉर्डिंग गूगल क्लासरूम पे जो है वो शेयर कर दी थी, तो वहाँ से आप उसको असेस कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप देखना चाहें कि उस दिन नोटबुक के वाले से क्या प्रोग्रेस है, क्या चीज़ हमने की थी। तो बाकी इस वीक की आपकी प्रैक्टिकल की लेक्चर प्लस आपकी नोटबुक का जो सबमिशन का है, इसमें मैं देखता हूँ कि आज नोटबुक का क्या है। तो 26 नोटबुक्स जो हैं मेरे पास जो हैं वो आ चुकी हैं, और इसकी डेट तो ऑलमोस्ट पूरी है क्योंकि उस दिन प्रैक्टिकल था तो उसी में आनी थी। तो ये हो चुकी है, उसके बाद आपकी सेकंड असाइनमेंट अब ड्यू है, ठीक है, 15 तारीख तक आप इसको जमा करवा दें, 15 एनफ टाइम आई थिंक, 15 जो है, ठीक है, 8 दिन आपके पास है। टॉपिक सब लोगों को मिल गया है या किसी का टॉपिक रहता है? सर टॉपिक रहता है, आप मुझे जो है कल तक सब लोग जो है अपने टॉपिक जो है वो आप लेते आएंगे, तो उसको जो है फिर हम पिन पॉइंट जो है वो कर लेंगे, उनमें से आपको एक असाइन कर देंगे, उसका मटेरियल जो है वो देख लेंगे उसमें। अच्छा, दूसरा मैंने शायद आपको बताया हो कि जो HEC के नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है,